हे गाइस वेलकम वन सेकंड टू द चैनल। यह वीडियो बिल्कुल अनकट होने वाली है। इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको एडिट करना ना पड़े, क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम पे मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, काफ़ी मतलब टाइम का इशू है इस वजह से। तो वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करता हूँ। वीडियो जो बेस्ड है वो बेस्ड है सोलर के ऊपर। मैंने जब लगवाया था उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2 से 3 महीने हो गए, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सब्सिडी नहीं मिल रही है, या फिर हमारे अकाउंट नंबर गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है, वो गलत आ रहा है। तो बेसिकली टोटल वीडियो जो होने वाली है सोलर के ऊपर ही होने वाली है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना भाई। एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा और सब चीज़ें आपको जो है मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इस वीडियो में डिलीवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो कमेंट मैंने पढ़ा, कुछ लोग का कहना है कि भाई उनकी बैंक डिटेल्स उसमें गलत आ रही है। तो अगर आपके में मतलब आपके फॉर्म में अगर बैंक की डिटेल्स गलत आ रही है तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरने के टाइम पर सही भरा है तो आपके सही अकाउंट में आ जाएगी वो, कुछ भी दिखे तो ये बैंक वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा कहते हैं कि हमने सब्सिडी को रिडीम किया है तो ये रिडीम नंबर मिला कितने दिन में आएगी। कुछ लोग कहते हैं मेरे 5 दिन में आ गई, 10 दिन में आ गई, कुछ लोग 3 महीने तक वेट कर रहे हैं उनकी नहीं आई। तो देखो भाई, इसमें होता क्या है कि सब्सिडी जो रिलीज की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से वो पैचेस में रिलीज की जाती है। जैसे उन्होंने, मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने 1 लाख रुपये का अमाउंट ले लिया और 1 लाख रुपये को अमाउंट को निर्धारित मतलब उसमें 100 लोगों को देना है, तो उस हिसाब से वो 100 लोग चूज करते हैं और उनको वो 1 लाख दे देते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अगर हो सकता है कि आपने आज ही अप्लाई किया और वो कल ही आपका नाम मतलब उसमें डाल के और सारा पैसा निकाल दिए। अब ऐसा नहीं होता कि आपने जो है अप्लाई किया और आपका पैसा भेजा फिर दूसरे का, ऐसा नहीं होता, सबका एक साथ पैसा जाता है। तो इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। अगर आपकी जानकारी सही है तो आपको सब्सिडी मिलेगी, वो कितने भी दिन में मिले, तो ये चीज़ें रहती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई भी बात नहीं है, आपका सब्सिडी आ जाएगा। अभी दूसरा जो फैक्टर रहता है कि भाई जो गलती आ रही है वो MNRE की तरफ से आ रही है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उनकी वेबसाइट में दिक्कत है, या फिर हमने सही नाम भरा था गलत आ रहा है। तो हाँ बिल्कुल ही आ रहा है, ये होता है, पोर्टल कभी कभी गलत चलता है। मेरे केस में जब मेरी भी आनी थी तो उसमें भी जो अकाउंट नंबर ऊपर नीचे हो गया था। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी भरें तो देख लीजिए, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए फ़ोन पे कि भाई आज मैं भर रहा हूँ। फिलहाल ऐसा होता नहीं, आप अपनी तरफ से 100% अगर सही जानकारी देंगे तो भले 10 दिन लेट आए लेकिन सब्सिडी सबकी आएगी। मेरे साथ जितने लोगों ने लगवाया था, जिस मंथ में मैंने लगवाया था मार्च के करीब, होली के करीब 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, अब तक सबकी सब्सिडी आ गई है। कुछ लोगों में नाम की भी दिक्कत थी, जैसे कि उनका बिजली के बिल पे नाम था दिनेश कुमार और अलग जगह पे दिनेश कुमार सिंह या यादव ऐसे करके था, तो उन लोग की भी आ गई है। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप इस सब्सिडी वाले फील्ड में जाएंगे, किसी भी सब्सिडी वाले फील्ड में जाएंगे, सोलर कहीं नहीं कह रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, ये सब बिल्कुल मैच होना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल से आपका अकाउंट नंबर मैच होना चाहिए, आपके आधार नंबर से आपकी सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, एक एक चीज़ स्पेलिंग सारी सब कुछ। जब आपका एक एक चीज़ मैच करेगा तो आपका तुरंत आ जाएगा। और अगर आपके स्पेलिंग में भी मतलब दिक्कत होगी, जैसे आप आधार में कुछ भी लिख रहे हैं तो DI लिख रहे हैं, दूसरे दस्तावेज में या इलेक्ट्रिसिटी बिल में DE करके है, मतलब वो इंग्लिश में थोड़ा रहता है, लेकिन वर्ड टू वर्ड अगर होगा ना तो आपका जल्दी आएगा। तो मेक श्योर, अगर अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, अप्लाई भी नहीं किया, लगवा भी नहीं रहे, तो सारी चीज़ें पहले सही करवा लीजिए, या फिर जिसका सही है उसी के नाम पे अप्लाई करिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए खुद से पहले, क्यों संकट में पड़ना, क्यों ऐसी जगह जाना जब हमें पता है कि वहाँ से ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अभी सारे डाउट जो भी निकल के आ रहे थे मैंने क्लियर कर दिए। कुछ लोग का लोन अकाउंट से भी रिलेटेड दिक्कत था कि भाई वेंडर ने हमारे ऊपर लोन करवाया और लोन अकाउंट नंबर दे दिया तो अभी तक सब्सिडी नहीं है, 2 से 3 महीने हो गए तो इसका क्या होगा। तो भाई उसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको जो भी परसेंटेज लगना था वही लगेगा, मतलब वो सरकार की गलती है, वो आपको आ जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा, उतने ही अमाउंट में जितना आपको वेंडर ने आपके बताया था उतने ही अमाउंट में लग जाएगा। तो वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो गवर्नमेंट की दिक्कत है, क्योंकि उसी अकाउंट में आपको लोन मिला और उस अकाउंट से वेंडर को चला गया और उसी अकाउंट में आपकी सब्सिडी आएगी और वह सब्सिडी सरकार को कट जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, मतलब आपका उसमें कुछ भी रोल नहीं है। अगर आपने कुछ पैसा वेंडर को दिया है तो अगर ऑल ओवर पूरा जो है फाइनेंस कराया तो जितनी आपकी सब्सिडी आएगी उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपको जो है इंस्टॉलमेंट में आगे आपको पे करना होगा, 3 महीने 4 महीने जैसे भी आपने लिया होगा जिस इंटरेस्ट रेट पे, तो वो सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेंगी। अभी सोलर की बात करते हैं कि कई सारी नई कंपनियाँ आई हैं सोलर इंडस्ट्री में, तो भाई कौन सा सोलर लगवाएं। तो मैं कहूँगा कंपनी पे आप ना जाइए कि भाई उसका ब्रांडिंग अच्छा है, उसका सोलर अच्छा है, उसका यूट्यूब पे वीडियो मिलता है और उसका मतलब गूगल पे दिखता है, तो ऐसा इस पे कुछ भी ना जाइए। आप सिंपली से एक वेंडर चूज करिए आपके एरिया में जो काफ़ी दिनों से काम कर रहा हो, या फिर आप उस आदमी को जानते हो, क्योंकि सोलर के केस में क्या है कि सोलर तो सभी जो जितने भी पैनल मैन्युफैक्चरर हैं सब अच्छे बना रहे हैं, इन्वर्टर भी सब एक ही जगह से बन के आ रहे हैं,
एक ही माल यूज हो रहा है, बस ब्रांडिंग अलग अलग हो रही है, ये सबको पता होगा। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप अपने नियर बाई वाले वेंडर से लगवाइएगा, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी कुछ भी इन्वर्टर में कुछ भी फॉल्ट होगा, कुछ भी दिक्कत होगा, एमसीबी जाएगी मतलब फुक जाएगी, बर्न हो जाएगी, या फिर आपका वायर में कुछ दिक्कत होगा, या कभी कनेक्टर लूज हो गया, स्पार्क हो गया, कुछ भी दिक्कत होगा ना, तो आपका नियर बाय जो भी वेंडर होगा वो कोई ना कोई मैकेनिक भेज देगा, क्योंकि आप उसके आसपास ही रहेंगे तो आपका बन जाएगा। अगर आप इसे दूर से लगवाते हैं, मतलब दूर के वेंडर से लगवाते हैं, तो उसमें आपको सर्विस की प्रॉब्लम होगा, और जो नया बंदा आएगा वो शायद से ना समझ पाए, कलर कोडिंग ना समझ पाए, या आपके वेंडर ने एक ही तरीके का तार यूज़ किया हो तो उसको यही नहीं समझ में आए, ये अर्थिंग है, फेस है, अर्थ है, क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पैसा उतना ही लगना है, तो इससे अच्छा आप लोकल से लगवाइए, मतलब जो भी आपके नियर बाई वेंडर हो उससे लगवाइए। तो कंपनी कोई भी आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी जो है आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इस कंपनी का लगवाइए, उस कंपनी का लगवाइए, भाई सब अपने में बेस्ट हैं, सब एक ही जगह से बन के आ रहा है। मैं खुल के आपको बता रहा हूँ कि सब यही हो रहा है कि पैनल मैन्युफैक्चरर कोई और है, ब्रांडिंग किसी और की है, और बिक कहीं और रहा है, तो ये चीज़ें चल रही हैं और सभी यही करते हैं। पहले ज़्यादातर सामान जो है चाइना से मंगवाया जाता था, और अब वही क्या करते हैं, चाइना से जर्मनी और जर्मनी के रास्ते इंडिया, मतलब भाई घूम फिर के माल चाइना का ही आ रहा है। ये आप लिख के रख लीजिए, पहले उसमें जर्मनी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप मान लीजिए कि माल चाइना का ही है, और सब कंपनी वही कर रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी उस लेवल की नहीं है, और ना हम उस लेवल पे भी चाइना के लेवल पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम प्राइस ही नहीं ऑफर कर पाएंगे कस्टमर को। जो आपको इन्वर्टर 20,000-21,000 में मिल जा रहा है, अगर वही हम इंडिया में बनाएंगे तो 30-40-50,000 रुपये पार कर जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता है। इस वजह से आप समझ जाइए कि सब माल चाइना का ही है, लेकिन वही है कि अगर आपको इस ऑफर का लाभ लेना है पीएम सूर्य घर का, तो आप इस माध्यम से जो है लगवा सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद वीडियोस आई हैं, ऐसे ही आती रहेंगी, क्विक अपडेट्स जो भी होंगे मैं देता रहूँगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।